नाजायज पिस्टल के साथ अपराधी हुए गिरफ्तार, साथ में मोबाइल फोन और बाइक भी हुई बरामद। बिहार से कर रहे थे व्यापार और बेचते थे नाजायज पिस्टलों को, बड़ी कामयाबी मिली है। खबर गाजीपुर से, जहां पर थाना अध्यक्ष करंडा ने बड़ी सफलता हासिल की। देखें पूरा वीडियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले एसपी ओमबीर सिंह। थाना करंडा पुलिस द्वारा कल चेकिंग के दौरान बिलसरीपुर के पास चेकिंग की जा रही थी, उसमें कुछ संदिग्ध अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 4 कंटीमेट पिस्टल्स जो मुंगेर बिहार में बनी हुई बताई गई हैं वो पकड़ी गई हैं इनके पास से। और बेसिकली जो पूछताछ में निकल के आया, ये एक तरह से हथियारों के तस्कर थे वहाँ से लाके, और विभिन्न क्षेत्रों में इस जनपद के और आसपास के बगल के जनपद में, बलिया और वाराणसी इत्यादि में भी ये सप्लाई करते हैं। इनसे पूछताछ की गई है और कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। पुलिस की टीम उनकी भी सरगर्मी से तलाश कर रही है और इनके पकड़े जाने से निश्चित रूप से जो एक गिरोह हथियारों की तस्करी में लगा हुआ था उसका पर्दाफाश हुआ है। और अवैध हथियार 2 पिस्टल को लेकर उसने अपना फोटो अपलोड किया था, ये वो भी है इनमें से, जो सेवराई थाना सेवराई गांव का रहने वाला है। तो इनमें 2 का तो अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, एक अभी नया नया जुड़ा था और हो सकता है पूर्व में उसने अपराध किए हों, क्योंकि हर अपराधी कभी ना कभी पहली बार पकड़ा जाता है। लेकिन वो भी उसकी हरकतें हैं अगर सोशल मीडिया पे देखी जाए तो नाकाबिले तारीफ हैं, ऐसा नहीं है। सर, ये मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? अलग अलग जगह के रहने वाले, जनपद गाजीपुर के ही एक करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, एक करंडा थाना क्षेत्र का, एक घैमर थाना क्षेत्र का रहने वाला है।